शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा व्यापक अभियान चलाकर शहर में बाधित अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वही अव्यवस्थित ट्रैफिक को लेकर अपनी उदासीनता दिखा रहा है। दुर्ग शहर में इन दिनों शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग नगर निगम में आए प्रशिक्षु आयुक्त IAS लक्ष्मण तिवारी की तत्परता से शहर के चौक चौराहों से अवैध अतिक्रमण हटवाकर शहर को सुंदर बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने शहर के हित को देखते हुए दुर्ग नगर निगम द्वारा दूजा व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार करने की मांग की है। साथ ही दुर्ग के महाराजा चौक पर बने बेतरतीब निर्माण से अपनी पीड़ा जताई। वहीं महाराजा चौक पर बने यातायात पुलिस कंट्रोल रूम को बेवजह ठहराया, जिसके चलते सामने की गाड़ी का पता ही नहीं चल पाता। इससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसके साथ ही चौक पर बनी गोलाई को छोटा कर बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखने का अपना पक्ष रखा। इस संबंध में न्यूज टीम को नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दक्षिणी दुर्ग में अर्थात दुर्ग के उस हिस्से में जहां पद्मनाभपुर, विद्युत नगर, बोरसी, पोटिया, न्यू आदर्श नगर और साथ साथ भिलाई और रायपुर जाने वाले बाईपास का ये मुख्य चौक है, इसे हम महाराजा चौक कहते हैं। ये चौक का सर्कल इतना बड़ा बनाया गया है कि आजू बाजू में गाड़ियाँ घूमने को मुश्किल आती है, और उसके साथ साथ ये पुलिस का जो रूम बनाया गया है, इससे पोटिया की तरफ आने वाले लोगों को बोरसी से आ रहे लोग नहीं दिखते, बोरसी से आ रहे लोगों को न्यू आदर्श नगर से आने वाले लोग नहीं दिखते, जिससे लगातार दुर्घटना होती रहती है। हमने इसकी शिकायत पुलिस से की है, हमने इसकी शिकायत निगम से की है, ये सारे लोग एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। और जब तक इस शहर के विधायक केवल और केवल यशोगान की राजनीति करते रहेंगे, तब तक लोग दुर्घटनाओं में मरते रहेंगे। इस पुलिस पिकेट को अविलंब हटाया जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठेगा, कानून अपने हाथ में लेगा और बाध्य होगा इस पिकेट को हटाने के लिए। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, इस मामले को उठाएं ताकि कोटिया बोरसी क्षेत्र की 50,000 जनता इस दुर्घटनाग्रस्त चौक से राहत पा सके। इस चौक के सर्कल को छोटा किया जाए और इस पुलिस पिकेट को यहाँ से हटाया जाए, ये जिला प्रशासन से हमारी मांग है। महाराजा चौक में माननीय आयुक्त जी आए, उन्होंने अतिक्रमण भी हटाया। मैं चाहता हूँ, आपका उद्देश्य इस शहर में भय व्याप्त करना है कि लोगों को राहत देना है। यदि लोगों को राहत देना है तो ये पुलिस पिकेट क्यों नहीं हटा, ये सर्कल छोटा क्यों नहीं हो गया? आप सुनियोजित तरीके से काम नहीं करते, कहीं भी JCB लेके निकल पड़ते हैं। आप क्यों नहीं करते इन कामों को कि 5 चौराहों को चिन्हित करें? आपका ड्यूटी नहीं है कि चंडी चौक में खड़ा आदमी 5 बार सोचता है कि मैं पटेल चौक कैसे पहुंचूंगा? क्यों इस पे हम काम नहीं करते? हम पटेल चौक पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही, गांधी चौक पे लगा, इन पे काम करें, प्लान बनाकर कार्य करें। दरअसल कहते हैं छत्तीसगढ़ी कहावत में, बड़े विश्वास करता हूँ, पर नहीं जाओ, धीरज बाकलीवाल जी की निगम में चल नहीं रही है, आयुक्त उनकी सुन नहीं रहे हैं, और कैसे सुनेंगे? जब आप केवल और केवल विधायक की परिक्रमा करते रहेंगे तो माननीय महापौर जी, आप प्रथम नागरिक इस शहर का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान रखिए, अपने आप को जगाइए और इस शहर के प्रत्येक आदमी को राहत दीजिए। आप व्यवस्थित कीजिए, आयुक्त के साथ में प्लान बनाइए और अतिक्रमण हटाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आतंक मचाने के लिए, भयादोहन के लिए आप ऐसी कार्रवाइयाँ कराएंगे तो मैं इसकी आलोचना करता हूँ। जब भी नगर निगम का काम है कि अपने शहर में सुशासन स्थापित करे, ये निगम का दायित्व भी है, नगर पालिका एक्ट में इसकी व्याख्या भी है। अभी जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, अतिक्रमण क्या हम लोगों को भयग्रस्त करने के लिए हटाते हैं या एक सुनियोजित सुकून हमारे शहरवासियों को देने के लिए हटाते हैं? अनप्लान्ड अतिक्रमण हटाना हमेशा उस शहर के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण हटाना हमें लोगों को रोजी रोटी की चिंता करनी चाहिए और उसके साथ में सुव्यवस्थित तरीके से हटाएं, वहाँ निर्माण कार्य भी करें, वहाँ का यातायात सुचारू करें और एक सुनियोजित तरीके से प्लान बनाकर अतिक्रमण को हटाएं ताकि शहर के नागरिक को सुकून मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।